5 मार्च 2014 को चुनाव आयोग द्वारा 16वीं लोकसभा चुनावों की घोषणा की गई थी। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 6 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उम्मीद थी कि इस बार भी मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब तक चुनाव आयोग ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो कब चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनावों के साथ ही इस बार सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव कराए जाने हैं, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या नहीं इसे लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। चुनाव आयोग लगातार जम्मू कश्मीर के जमीनी हालातों पर नजर बनाए हुए है। आज चुनाव आयोग में इसी लेकर मैराथन बैठक भी चली, लेकिन घाटी में चुनावों को लेकर अभी भी आयोग की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों पर फैसला न हो पाने के कारण ही अभी तक लोकसभा चुनावों की घोषणा नहीं हो पाई है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव 9 चरणों में 7 अप्रैल से 12 मई तक हुआ था। मतगणना 16 मई को कराई गई थी। इससे पहले 2004 में 29 फरवरी और 2009 में 2 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। इस बार भी चुनाव 9 से 10 चरणों में हो सकता है। चुनावों को लेकर चुनाव आयोग तैयारियां पूरी कर चुका है और 1 या 2 दिन में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।